गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलता है आपको खूब सारा प्रॉफिट विद फन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज लेके आया हूं दो कॉइन, मैटिक और शिबा इनू। दोनों की कंफ्यूजन दूर करनी है हमने इस वीडियो में, शुरू से लेके एंड तक देख लेना आपने कौन सा कॉइन खरीदा, आप कौन से कॉइन के लिए इस वीडियो में आए हैं। लेकिन देखनी दोनों है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देता हूं जो सबके काम की होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटिक की। मैटिक की इसलिए क्योंकि बिल्कुल अभी अभी पंप लिया है, और अगर मैं अपनी बात कराऊं तो आपको 10 दिन पहले मैंने इसको बाय करवाया था $1 पे। हाँ, अब देखिए ये थंबनेल है, अगर आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो को तो देख लेना। और अगर मैं बात करूं कि कितने पे गया था, तो गया था $1.33 पे। अब मैंने ₹24 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सबको मना कर रहा था, भाई अभी बेचने का टाइम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो, मगर सेल करने का टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम था पंप तो लेगा, मार्केट बहुत अच्छी जा रही है और आने वाले टाइम में और अच्छा पंप लेगा। और आज मैटिक हुआ है 1.50 अप्रोक्सीमेटली। मैंने आपको अगर $1 पे दिलवाया था, $74-73 अगर प्राइस पे दिलवाया था मैंने आपको, तो अभी आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली ₹37 का, ₹37 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो, भाई आधा डॉलर भर गया, पूरा पूरा $1 से $1.50 हो गया, तो अब क्या करें भाई, बेच दें सेल कर दें। तो देखिए ये एक पॉइंट बहुत खतरनाक बन गया। मैं आपको इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा देता हूं, फिर आपको, आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि सारी चीजें होती है कि मैं आपको बताता तो हूं मगर कहीं ना कहीं देखिए हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर कोई प्रॉफिट अलग अलग देना चाहता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अगर उनको ₹1000 भी बच जाए तो सेल आउट हो जाते हैं कि भाई बहुत है, इतना ही चलना है क्रिप्टो करेंसी में, धीरे धीरे करके बढ़ लेंगे। और कुछ लोग थोड़े से शानदार होते हैं, जिनमें थोड़ी सी ग्रीडनेस भी होती है, मतलब थोड़ी सी ग्रीडी भी होते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, भाई थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दीजिए, तो करते हैं ना। बताता हूं आपको आगे की वीडियो में, और शिबा इनू कॉइन के में भी बहुत बढ़िया न्यूज दूंगा आपको, तो स्टे ट्यून। आइए पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हम। यहां पर से आ गए हैं चार्ट के अंदर। मैटिक का चार्ट है, वन डे पे मैंने सेट कर दिया, यूएसडी में है ये। तो दोस्तों ये जो आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, ये पहले इसका रेजिस्टेंस जोन था। अब इसके अंदर क्या था ये कि यहां से उठना बहुत मुश्किल था, मगर यहां को इसने पार कर दिया। ये जो जोन था इसका 1.417 पे था ये वाला। अब क्या हो गया, अब ये इसका सपोर्ट बन गया, मतलब इसका दोस्त बन गया। आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको ताकि समझ आए, भारी भारी शब्द यूज करने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है सबके लिए। देखिए भारी शब्द क्या है, बड़े लोग भी समझ जाएंगे जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, और जो फ्रेशर है, जो बिगनर है, उनको भी समझ आ जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं दूसरा। ये दूसरा एक लाल कलर की लाइन खींचिए जो इसका रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये कितने पे बना हुआ, ये सेम उसी जोन पे बना हुआ है जिसपे अभी ये ट्रेड कर रहा है। मतलब ये भी जो बना हुआ है, ये भी तकरीबन तकरीबन अपने जो रेजिस्टेंस लेवल का है उसको क्रॉस तो कर चुका है, मगर अभी उस पर स्टेबल नहीं हुआ है। तो मतलब थोड़ी देर बाद ये इसकी सपोर्ट बन जाएगा, हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सपोर्ट बन जाएगा, और ये बन सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा क्यों बन सकता है। तीसरा जोन देखिए दोस्तों, ये वाला। अब ये जोन है देखिए, यहां पर ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं, यहां पर ये बन रहा है 1.628 पे, राइट। अब ये वाला जो जोन है, ये वाला इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब अगर इसको ब्रेक करता है तो ये अब यहां पर नहीं रुकने वाला है। मतलब अगर हम बोले कि यार ये भी इसका रेजिस्टेंस बन रहा है 1.7 पे, तो ये नहीं बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों यहां पर। अगर मैं इस प्राइस की बात करूं कि प्राइस कितना बन रहा है, तो दोस्तों प्राइस बन रहा है 1.828 बन रहा है यहां पर, देखिए यहां पर, ओके यहां पर। तो ये वाला भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये भी इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा से बहुत आराम से पहुंच जाएगा। मतलब अभी अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इसका चार्ट का व्यू ये कह रहा है कि भाई देखिए, अभी ये जो मैंने आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दिखाया इसका, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला। अब ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, मगर अभी सपोर्ट नहीं बनी है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो इसकी सपोर्ट बन जाएगी। अच्छा साइन आ रहा है, मतलब जो बाइंग का साइन भी बहुत अच्छा आ रहा है, लोग बाय भी कर रहे हैं, और जो है प्राइस जो है पंप भी कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1.5
डबल थ्री पे इसको सेल करने का टाइम नहीं है, राइट, मैंने आपको बताया था। तो अभी भी इसको सेल करने का टाइम नहीं है, पहली कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो कि भाई सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग लगभग $1.5 पहुंच चुका है, सेल करने का टाइम है कि नहीं है। तो दोस्तों अभी सेल करने का टाइम नहीं है, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से भी देखना है। मतलब आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया और आप थोड़ा सा सोचते यार इतना मेरे को रिस्क नहीं लेना, मतलब क्रिप्टो करेंसी में आपने इतना रिस्क नहीं लेना, छोटे प्रॉफिट पे आप निकलना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, आप निकल सकते हैं। अब दूसरा तो हो गया ये, देखिए दूसरा ये मीटर है, ये भी टेक्निकल्स मीटर होते हैं, लाइक ये आपको मार्केट का बताते हैं कि कौन से टाइम पे मार्केट का बिहेव क्या चल रहा है। लाइक ये अगर स्ट्रॉन्ग सेल का चल रहा है तो इसको बहुत ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं और रिकमेंड करता है कि आप लोग भी सेल कर दें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है स्ट्रॉन्ग बाय का, मतलब मार्केट में अभी भी लोग इसको बाय कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मतलब बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, और अभी टाइम है कि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। मगर ये जो ज्यादातर सिग्नल्स हैं ये लोग ट्रेडर्स देखते हैं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो इस सिग्नल के हिसाब से लगभग चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय का मतलब है वो खरीदते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट पे बेच देते हैं। लेकिन अगर आप कॉइन्स खरीद के रखते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स खरीदते हैं और रखते हैं, तो आपके लिए मीटर जो है बहुत अच्छा साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं 80% आपको बताऊं तो ये बिल्कुल ठीक होता है इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं। तो इसमें आ रहा है स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल। अब स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और पंप होगा, क्योंकि मार्केट में इसको और लोग खरीद रहे हैं, राइट। तो अभी नहीं टाइम इसको सेल करने का, तो कंफ्यूजन दूर कर लो, सेल नहीं करना, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसके साथ कि 1.8 के आसपास ये दोबारा से आएगा, वहां पर अगर आपको सेल करना तो कर लेना, और अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको मैटिक में। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों शिबा इनू की। शिबा इनू की आपने मेरी पिछली वीडियो, एक दो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं पिछले एक हफ्ते के अंदर, और आप लोगों ने बहुत पसंद की। अब शिबा इनू की बात कर लेते हैं, तो शिबा इनू की देखिए यहां पर मैं आपको ले आता हूं, जहां पर मैं शिबा इनू को आपका पहले ये एक रिक्वेस्ट मीटर दिखा देता हूं, जिसमें शिबा इनू ने बोला था भाई 3 लाख हमें वोट चाहिए, जिसमें क्या होगा कि अगर 3 लाख वोट आ जाएंगे तो हम रॉबिनहुड एक्सचेंज को बोलेंगे कि हमारे जो 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वो वोट दे चुके हैं आपके लिए, आप हमें रॉबिनहुड पे लिस्ट करो। इसके बारे में मैंने पूरा अपनी पिछली वीडियो में बताया, शिबा की पिछली वीडियो में, तो जाके सॉरी ये ऊपर कार्ड में डाल दिया। ओके, अब इतना आसान कर दिया, अब इतना आसान तो देख लेना यार, बहुत आसान है ये, यहां पर बस क्लिक करना। लेकिन रुक, वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से वीडियो खत्म होगी, वापिस आना, फिर इस टाइम पे आना और क्लिक कर देना। ओके, अब बात कर लेते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर जो कितने आए, यहां पर अभी भी 2,48,000 वोट आए, मतलब हम बात कर ले 2.5 लाख वोट आए, अभी भी 50,000 वोट कम है। अब यह होता है, यह होता है, देखिए गोल थोड़ा सा बड़ा सेट कर लेते हैं, होता है, बिल्कुल होता है, म्यूजिक बताना है। एक्चुअली ऐसा हुआ था मेरी एक पिछली वीडियो में, मैंने भी थोड़ा सा गोल बड़ा कर दिया था, वो पूरा नहीं हुआ ना जुदा, बिल्कुल। तो ऐसा होता है, जोक सपाट। दूसरी बात कर लेते हैं कि चलिए ये गोल पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो पिछली जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि अभी तक रॉबिनहुड ऐप के हिसाब से भी कोई ऐसा मतलब ट्वीट नहीं आया जिसमें वो शिबा इनू की बात करे। तो मैंने एक सब्सक्राइबर ने बड़े गुस्से से कहा था भाई यार जाके देखो उस पर ट्वीट करा हुआ, रॉबिनहुड ने ट्वीट करा हुआ कि हम शिबा इनू को करेंगे, और उस मैसेज को बहुत लोगों ने पढ़ा होगा यकीनन। तो मैं आपको देखिए दिखा देता हूं, बात कर लेते हैं 2 अक्टूबर से मैं इनके ट्विटर पे हूं, और मैं नीचे चला जाता हूं रॉबिनहुड के बारे में। रॉबिनहुड व्हाट्स हैपेंड, ये आ गया, इधर आ गया, अर्निंग वीक्स आ गया, विद जस्ट किल आ गया, ओके आ गया, और द मेक्स रॉबिनहुड आ गया, हाउ टू नो द कॉल फ्रॉम रॉबिनहुड, ओके, हाउ टू नो द कॉल फ्रॉम रॉबिनहुड सेम है, ओके। अपने सारे देख लेते हैं, देखिए एक एक चीज देख लेता हूं, मैं नजर लगा के बैठा हूं, आप भी देखते रहिए, चलता रहेगा। ओके, यहां पर भी कुछ नहीं है अभी तक, शिबा इनू का नहीं है, शिबा आएगा, देखिए रुकिए, आएगा, बिल्कुल आएगा यार, है नहीं आया, ये नहीं आया। अब देखिए दोस्तों मैं आपको इसको मैं बता दूं, जैसे इन्होंने बोला है कि 3 लाख वोट हो जाएंगे तो ये आगे उसको भेजेंगे रॉबिनहुड को, अभी 3 लाख वोट पूरे नहीं हुए। यकीनन मैं इसके फेवर में हूं कि रॉबिनहुड पे आएगा तो हम लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकता, रॉबिनहुड एक्सचेंज है उस पर भी
पॉइंट्स आते हैं तो शिबा इनू क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा, पॉजिटिव रहते हैं इसके लिए बिल्कुल आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो है ना, सिर्फ मैंने क्वाइंस के लिए नहीं बताया, ये उन लोगों के लिए जो बताया जो बोल रहे थे कि भाई ट्विटर पे इसका बारे में बताया, गुमराह कर रहे थे, हो सकता है शिबा इनू के सपोर्टर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अगर आपने क्वाइन खरीदा हुआ आप उसकी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं सुन सकते किसी भी यूट्यूबर से। मैंने इसकी नेगेटिविटी की वीडियो नहीं बनाई है, टू बी वेरी फ्रेंक मैं बिल्कुल शिबा इनू के खिलाफ नहीं हूं, मतलब मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे पास भी करोड़ों क्वाइन है, तो ऊपर जाएगा तो यार मुझे भी मजा आएगा। लेकिन यहां पर अनाउंसमेंट नहीं है, और आने वाले कुछ समय में अनाउंसमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो बिल्कुल आ सकती है। शिबा इनू वाले पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये इस पे आए, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोली है, और इसके लिए कोई ना कोई कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे, कोई ना कोई उन्होंने मैप तो जरूर बना रखा होगा कि रोबिनहुड तक पहुंचे, और ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि शिबा इनू कॉइन ऑलरेडी बहुत जगह लिस्टेड है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की, जो मैंने आपके लिए थोड़ा सा तैयार करा है, तो पहुंच जाते हैं हम यहां पर। ओके, अब देखिए यहां पर बहुत ही खतरनाक मोड़ पे शिबा इनू कॉइन है, राइट। नीचे की दो सपोर्ट ऑलरेडी है जो है, जैसे मैं आपको थोड़ी सी वीडियो सपोर्ट करके बता दूं, मैंने इसको बाय करवाया था, मैंने इसको करवाया था आपको 5.05 पे, आप समझ रहे हैं 5.05 मेरी वीडियो है, और वो भी ज्यादा दिन की नहीं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और हाँ, ये आसान तरीका है, भूल जाता हूं मैं, वीडियो देखने के बाद वापस आके आप ये क्लिक कर सकते हैं। यहां पर मैंने शिबा इनू का बाय पॉइंट बताया था जो 0.5 0.6 पे था, मतलब 5.05 5.06 पे। अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए यहां पर है, यहां पर बहुत ही तगड़ा जो एक इसका लेवल है जहां पर ये अभी फिलहाल है 0.4 times 0.25 पे, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल है इसका, इससे नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो मैं आपको बता दूं, अगर इससे नीचे आता भी है तो भी इसकी जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो है 20 पे, 4 times 0.20 पे, और उससे ऊपर सपोर्ट है 22 पे। अब 20 पे सपोर्ट आपको नहीं दिख रही तो मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूं, देखिए यहां पर इसकी 20 की सपोर्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके पास आने पे, इसको नीचे जाने पे बहुत हैवी सेलिंग चाहिए तब ये नीचे आएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता ये इसके लेवल को, मतलब 22 के लेवल को भी नीचे जाएगा, उससे ज्यादा नीचे जाएगा इतना नहीं लगता, क्योंकि बहुत अच्छी हाइप है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें मैंने तीन तरह के होल्डर बताए आपको जो अपना प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं, लाइक वो कहते हैं यार हम तो निकल गए, हमारा हो गया, बहुत है, कुछ लोग बेच चुके हैं, और कुछ लोगों की अगर मैं बात बताऊं जो होल्डिंग किया तो उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करो, क्योंकि देखिए हैशटैग मतलब रैंकिंग जो है वो 20 है और 3 लाख से ज्यादा वोट होने वाले हैं, यकीन मानिए अगर 3 लाख 50,000 व्यू, 50,000 वोटिंग है, 3 लाख अगर इसके वोट आ जाते हैं उस टाइम भी बहुत अच्छी हाइप क्रिएट होगी, क्योंकि बाइंग बहुत ज्यादा बनेगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहेगी कि रोबिनहुड पे आ सकता है। और अगर मैं इसके टेक्निकल मीटर की बात करूं तो देखिए यहां पर भी इसका बाय का मीटर है, मतलब अभी भी इसका बाय करने का टाइम है, इस मीटर के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत हाइप पे है, थोड़ा सा मेरे दिमाग में लगेगा ना यार इसको बाय पॉइंट है, मैं हमेशा की तरह आपको बाय पॉइंट जरूर बता दूंगा। अभी 5:30 बजे की जो कैंडल बनेगी, क्या बनेगी, वीडियो 8 बजे आएगी, 5:30 बजे की कैंडल का जो अपडेट होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम के लिंक को जाके ज्वाइन कर लेना, वेरी सिंपल यार, क्या करना है आपको, सिर्फ जाना है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और वहां पर आपको अभी जो सुबह की कैंडल खुलेगी मैं आपको बता दूंगा, जिन लोगों को नहीं मालूम रोज सुबह क्वाइंस की 5:30 बजे की कैंडल एक नई कैंडल बनती है जब आप चार्ट को वन डे पे लगाते हैं, तो उसका जैसे शेयर मार्केट में टाइम होता है 3 बजे 4 बजे, वो अलग टाइम होता है, दोपहर के वक्त क्लोज हो जाती है मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, मगर एक कैंडल का टाइम होता है कि कैंडल किस टाइम बनती है, वो बनती है सुबह के 5:30 बजे अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। अब ये कैंडल में क्या बिहेव होगा, कैसा होगा, कैसा साइन होगा, बाय पॉइंट बनता है कि नहीं बनता, सेल पॉइंट बनता है कि नहीं बनता, उस सब के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। अब टेलीग्राम पे चले जाना, वहां की होगी बात ये खत्म, शिबा इनू की आपको पूरी न्यूज दे दी है, यहां पर होगी बात खत्म, मैटिक का आपको पूरा न्यूज बता दिया, टेक्निकल एनालिसिस बता दिया, यहां पर होगी बात खत्म, इन दोनों के अपडेट आपको चाहिए टेलीग्राम। और अगर आप नए हैं, आपको लगता है मैं आसान भाषा में समझा देता हूं, बढ़िया भाषा में समझाता हूं, बोल भी नहीं होने देता, थोड़ा सा आपका बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, थोड़ी सी स्माइल आती है आपके चेहरे पे, जब आपके चेहरे पे स्माइल आती है उसी टाइम बटन दबा दो सब्सक्राइब वाला, जी हाँ दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच।